स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की तस्वीरें सरकार और प्रशासन की आंखें खोल देंगी। सीवर के गंदे और बदबूदार पानी में से लोग निकलने के लिए मजबूर हैं। स्मार्ट सिटी की तस्वीरें शहर की दिशा और दशा बताने के लिए काफी हैं। यहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने छोटे से लेकर बड़े अधिकारी, स्थानीय नेता से लेकर पार्षद, विधायक, मंत्री सबसे गुहार लगाई, लेकिन सालों पुरानी इस समस्या का समाधान नहीं निकला। फरीदाबाद के पौश इलाके सेक्टर 15A और गांव अजरौंदा की ये तस्वीरें हैं। इस इलाके में शहर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, बावजूद इसके यहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश में यहाँ के हालात खराब हुए हैं, बल्कि सालों से यहाँ के हालात ऐसे ही हैं। तमाम जगह शिकायत करने के बाद आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब बारिश में यहाँ के हालात खराब हुए हैं, बल्कि सालों से यहाँ के हालात ऐसे हैं। तमाम जगह शिकायत करने के बाद आज तक कोई हल नहीं निकला। सबसे बड़ा सवाल यह है जिसका जवाब यहाँ के स्थानीय लोग ढूंढ रहे हैं कि शायद किसी दरवाजे तक उनकी गुहार को सुना जाए और उनकी समस्या का समाधान निकले। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी प्रहलाद शर्मा। कहाँ रहते हैं जी? अजरौंदा में रहते हैं। ये जल भराव की समस्या है, कब से है, किस तरीके से है, क्या जिला प्रशासन के अधिकारी या नेता कोई सुनने को तैयार हैं इस बारे में? ये काफी समय से समस्या है इस पानी की। यहाँ पे सरकारी प्राइमरी स्कूल है, शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जिसकी गांव के लोगों को, बाहर के लोगों को इस मंदिर में बहुत आस्था है, और इसी पानी की वजह से सीवर का पानी है, बदबू मार रही है, भगत लोग आकर के खुश नहीं है, आते हैं इसमें से, आते हैं गंदे पानी में से निकल के आते हैं। तो प्रशासन को भी कितनी बार लिख के दे लिया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नेता सुनवाई नहीं करता, कोई संतरी सुनवाई नहीं करता, डीसी को भी बोल दिया, नगर निगम के SDO एक्शन है, यहाँ तक है कि नगर निगम कमीशन तक को भी इसका पता है। दो दो मंत्री हैं आपके शहर से ही, फिर भी मंत्री तो वोटों के लिए आते हैं जी बस, और कुछ नहीं है मंत्रियों का काम, कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर, कोई सुनवाई नहीं है जी, और आएंगे आश्वासन दे जाएंगे और कोई एक्शन नहीं है किसी किस्म का भी। क्या नाम है जी आपका? दिवाकर सिंह। दिवाकर जी कहाँ के रहने वाले हैं? अजरौंदा से हैं। अजरौंदा से रहने वाले हैं। समस्या दिखाई दे रही है, कुछ स्कूल के सामने है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल है, पानी भराव की, जल भराव की समस्या कब से है इस तरीके की? ये समस्या है, ये काफी समय से है। इसमें सबसे मेन रोल इन गटरों का है, गटरों में कोई पानी नहीं जाता, इधर सारा रोड पे ही भरा रहता है। ये पानी बारिश का नहीं है, आधे से ज्यादा गटर का पानी है ये। भाई सर आज अभी आपको पता ही है कितनी फरीदाबाद में बारिश हुई है, बहुत कम बारिश हुई है, इतना पानी नहीं भरता, ये सारा गटर का पानी। सावन का महीना चल रहा है सिर्फ, तो किस तरीके से भक्त आएंगे मंदिर में? रास्ता ही नहीं, आप देख सकते हो बिल्कुल रास्ता ब्लॉक है, पानी में से निकल के आना पड़ता है। सीवर गंदा पानी का टाइम चल रहा है, अभी डाक कावड़ गई है, कल भी निकलकर पानी में से ही निकल कर गई है, और आज भी जाएंगी, अभी शाम को निकलेंगी, यहाँ पे कुछ देर में आने वाले होंगे, थोड़ी बहुत देर में निकलेंगी कावड़े यहाँ से, बहुत दिक्कत होती है आने में। किसी से शिकायत करी हो इस, किसी अधिकारी से, प्रशासन से, मंत्री से? मंत्री भी आपके यहीं पे हैं दो दो? ऐसा कोई भी पदाधिकारी या कोई भी मंत्री नहीं है जिसको इस विषय में ना पता हो, सभी को इस विषय में पता है, इवन कि कमिश्नर साहब को भी इसके विषय में पता है कि हाँ भाई अजरौंदा में मंदिर और सत्संग भवन है, बराबर में प्राइमरी स्कूल है, यहाँ स्कूल सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, छोटे छोटे बच्चे आते हैं सुबह, खुद SDO साहब आए थे, उन्होंने खुद मौके पे खड़े होकर देखा था कि बच्चे कैसे परेशान होकर निकल रहे हैं यहाँ से पानी में से, बावजूद कोई सुनवाई नहीं है, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। समर सौकर वाले आए थे अपना खड़े होके, मतलब ड्यूटी बजा के चले गए, ओके लाइन हो गई उनकी तरफ से, अभी तक पानी निकला नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रदीप सैनी है जी। प्रदीप जी आप कहाँ के निवासी हैं? मैं अजरौंदा का निवासी हूँ सर। तो अजरौंदा के निवासी हैं, ये जो पानी की समस्या है ये बड़ी विकराल है, सीवर की समस्या है, बारिश भी नहीं हो रही है, क्या कारण मानते हैं, क्या चीज है इसका? पानी के बारे में बड़ा कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य है जी हमारा, यहाँ पे हमारा पंचायती स्कूल होगा, प्राचीन शिव मंदिर होगा, साथ में राधा स्वामी सत्संग हो गया, जिसकी सबकी जनता यहाँ से निकलती है, लेकिन प्रशासन को कोई वो नहीं है, बार बार शिकायत भी इसकी दे चुके हैं, जबकि सारी गाड़ियां यहां से निकलती हैं और प्रशासन भी साथ में रहता है, सरकारी अफसर भी साथ में रहते हैं, लेकिन कोई यहां पे कोई किसी की आंख सबकी बंद है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर से शिकायत की है कहीं?
हाँ यहाँ पे एसडीओ साहब को भी बताया गया, आज वो भी आए मौके पे, उनको भी बताया गया, उन्होंने भी आश्वासन दिया हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पानी कोई कम नहीं हुआ। कितने सालों से समस्या आ रही है? ये काफी सालों से समस्या आ रही है यहाँ पे, कोई समाधान नहीं हो रहा, कोई समाधान नहीं हो रहा, बार बार कहते हैं लेकिन कोई है नहीं है। जबकि मेन गांव का सारा, हमारे गांव में से बाहर अगर निकलेंगे, अगर थोड़ी सी बारिश होगी तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम जाएं तो जाएं कैसे, रोड पे, मेन रोड पे, बाहर गांव से कैसे निकले, कैसे गांव में।